बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खतनुज रात, मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। नजरें करम, हम तारीख के उस दिलकश, खूबसूरत और हैरत अंगेज दौर की दास्तान बयान कर रहे हैं जब मुसलमान एक ही वक्त में एक ही दरख्त पर कई किस्म के फल उगाने में कामयाब हो चुके थे। हम मुसलमानों के उस साइंसी दौर की दास्तान बयान कर रहे हैं जब मुसलमान सिर्फ एक गुलाब से गुलाब की 800 किस्में इजाद कर चुके थे। और आज उस दिलचस्प दास्तान के पांचवें चैप्टर में आपको तहे दिल से खुशामदीद। नज़र-ए-करम, 10वीं सदी ईस्वी का आगाज हुआ। अंदलुस की शामों, एशिया और अरब के सवेरों में वो नस्ल पैदा हो चुकी थी जिनके लिए मुसलमान शहनशाहों ने मनो सोना लुटाया, दरसगाहें तामीर की। ह्यूमैनिटी साइंस और सोशल साइंसेज के बाद इस्लाम की सरबुलंदी के लिए फिजिकल साइंसेज में जान लड़ा दी और अब वो एक पूरी नस्ल तैयार थी जिन जैसी जहानत, जिन जैसी तहकीक और तसनीफ के मालिक दुनिया ने पहले देखे न बाद में देखे। नजरीन कराम, ये वो सुनहरी दौर है जब मुसलमानों ने फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, बायो, मेडिकल, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स और आर्किटेक्चर पर इस कदर उरूज हासिल किया कि उस उरूज को एक ही जुमले में बयान करने के लिए यूरोपी मोर्रख विल ड्रांट की किताब द एज ऑफ फेथ का एक जुमला ही काफी है। वो लिखते हैं कि उस वक्त अरबों ने हरकत, कुव्वत, खला, वजन और हरारत पर मुतला पेश किया। नजर करम, आज हम कुरूने उला की ऐसी हैरत नगरी का आगाज करेंगे जो यकीनन आपको वर्ताए हैरत में डाल देगी। आप देखेंगे किस तरह हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती इंसान साजी और मुआशरा साजी के बाद फिजिकल साइंसेज में झंडे गाड़ते नजर आते हैं। नजरीन कराम, 10वीं सदी ईस्वी की वो शाम बहुत खूबसूरत थी जब नील के पानियों पर चांदनी का जिलमिलाता रक्स शुरू हुआ। मिस्र के दरो दीवार में रात के पहले पहर की हवा गूंजी और फलक अनगिनत सितारों की महक से झूम उठा। नज़रीन कराम, यही वो वक्त था जब यूरोप के लोग गहरी नींद सो रहे थे जबकि ऐन उसी वक्त अरब, एशिया और अफ्रीका में हजारों मुसलमान नौजवान जाग रहे थे। उनके कलम सितारों के जिलमिलाने और उनके वजूद पाने पर सरबस्ताए राज लिख रहे थे। नजरीन कराम, मस्जिद में ईशा की अमामत करवाने वाला नौजवान रात के पहले पहर फलक की गहराइयों में जागता और पिछले पहर तहज्जुद में एक रूहानी दुनिया में मौजूद होता। नजरीन कराम, वो कुरूने उला का खूबसूरत जहां था जिसकी सहरंगेज फजाओं में मिस्र से अंदलुस तक, हिंदुस्तान से शाम तक सजदों के निशान तैर रहे थे। अल्लाह अकबर की सदाएं वादी वादी गूंज रही थी। वो वक्त, वो लम्हे शायद दुनिया के खूबसूरत तरीन लम्हे थे। खुदनुज रात गहरी हुई और सब चिराग एक एक करके बुझ गए जबकि चांद बादल की फटी चादर से सरजमीने मिस्र को झांकने लगा। नाज़रीन, यही वो वक्त था जब काहिरा की एक जामे मस्जिद के एक हुजरे का दरवाजा खुला और एक हुलिया नमूदार हुआ। कंदील रोशन हुई और चेहरा अया हुआ जबकि रोशनी कमरे में फैल गई। कमरे की अजीबो गरीब सूरत हाल थी। रंग बिरंगे धागे, आईने, डब्बे और सराहियां कितार दर कितार पड़ी थी जबकि चमड़े पर अजीबो गरीब लकीरें खींची हुई थी। नज़रीन कराम, उस शख्स की उम्र 40 के लगभग थी। चेहरा नूर में तर लगता था, वजूद पर सफेद लिबास और सर पर इमामा था। उनके चेहरे से सादगी और मासूमियत आया थी। ये थे कुरूने उला के अजीम मुसलमान साइंसदान अबुल हसन इब्न अल हैसम। नज़रीन कराम, 965 ईस्वी में कुरूने उला की नगरी इराक के अजीम शहर बसरा से निकले इस नौजवान की अगर मुकम्मल हिस्ट्री देखें तो इसके वजूद के सामने आइंस्टाइन और कोपरनिक्स के वजूद बहुत छोटे नजर आएंगे। ये वही पुरसरार वजूद है जिससे ऑप्टिकल साइंस के कई दरिया जारी हुए। टीवी, कैमरा, स्कोप्स और नजर से ताल्लुक रखने वाली हर चीज की इजाद का ताल्लुक इब्न अल हैसम से है। नज़रीन, ये दरवेश फिजिक्स की दुनिया का वो बेताज बादशाह है जिसकी तसनीफ किताबुल मनाजर के बगैर बड़े बड़े साइंसदानों की थ्योरियां अधूरी रह जाती हैं। यही वजह है कि आज एक भी यूरोपीय साइंटिस्ट ऐसा नहीं है जिसकी किताब का एक चैप्टर, एक पैरा या पूरी किताब
किताबुल मनाजिर की कॉपी ना हो, जबकि हमारे ये बुजुर्ग एक ही वक्त में फलकियात, रियाजियात, अर्जियात, हयातियात और फिजिक्स के माहिर थे। मिस्र की एक जामिया मस्जिद में बैठकर इन्होंने कायनात में वहां तक झांका जहां तक झांकना उस दौर के हिसाब से यकीनन नामुमकिन था। इस दरवेश ने 150 से जायद किताबें लिखी और इन्हीं किताबों में एक किताब सूरतुल कसफ भी है। नज़रीन इकराम, जिसमें कैमरा इजाद करने का फन इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखा है, जबकि बाद में यूरोप ने जब उसने मिकनतीसी फीते का इजाफा करके प्रैक्टिकल किया, जिससे तस्वीर हासिल करने का तरीका अख़्ज़ हुआ। नज़रीन इकराम, आइए क्रोनीउला की रोमानवी शामों में लिखी गई इब्न अल हसन की किताब सूरतुल कसफ का कुछ मुतालिया पेश करते हैं। खुद नज़रात इब्न अल हसन लिखते हैं कि एक तारीख डब्बे में छोटा सा सुराख करके उसे रोशनी की सीमत घुमाया जाए तो रोशनी में पड़ी तमाम चीजों का अक्स उस डब्बे की दीवार पर नजर आएगा, लेकिन ये अक्स उल्टा होगा, यानी चीजें उल्टी दिखाई देंगी, यहां तक कि दाएं तरफ की चीज बाएं तरफ और बाएं तरफ की चीज दाएं तरफ दिखाई देगी। उन्होंने मजीद लिखा कि अगर सूरज ग्रहण के वक्त तजुर्बा किया जाए तो अंधेरे कमरे या डब्बे में बनने वाला अक्स बहुत साफ होगा। अच्छा खबर, रात ये डायलॉग जरा जहन में रखिएगा कि उन्होंने मजीद लिखा, अगर सूरज ग्रहण के वक्त तजुर्बा किया जाए तो अंधेरे कमरे या डब्बे में बनने वाला अक्स बहुत ज्यादा साफ होगा। खुदनुज़रात, ये कैमरा ग्राफी का वो बुनियादी असूल है जिसे कैमरा अब्सक्यूरा कहते हैं, जिस पर बाद में जोहेंजर ने प्रैक्टिकल के बाद कैमरा तकलीफ किया और दो टोक लहजे में कहा, सुनो ये मेरी इजाद नहीं है, मैंने तो महज कुछ इजाफे के साथ प्रैक्टिकल किया है, जबकि इसके असल क्रेडिट का हकदार इराकी मुस्लिम साइंटिस्ट इब्न अल हसन है। खुदनुज़रात, अब हम आपके सामने एक छोटी सी वीडियो प्ले करते हैं, उसके बाद बताएंगे कि कैमरे ने किन मराहिल से गुजरकर इसे रिकॉर्ड किया है और अजीम मुसलमान साइंसदान इब्न अल हसन के रूल्स ऑफ कैमरा अब्सक्यूरा किस हद तक उस वीडियो को रिकॉर्ड करने में इन्वॉल्व हैं। नज़रीन इकराम, जरा वीडियो को गौर से देखिएगा। नज़रीन इकराम, स्क्रीन पर चलने वाला ये सीन बड़ा दिलचस्प है, लेकिन सवाल यह है कि कैमरे ने किस तरह इस सीन पर वर्क किया होगा और इब्न अल हसन के असूलों के मुताबिक किस तरह वर्क किया होगा। नज़रीन इकराम, जब ये सीन कैमरे में इंटर हुआ तो इसे सबसे पहले इलेक्ट्रिक डार्क इफेक्ट का सामना करना पड़ा, यानी मंजर को सूरज ग्रहण जैसे डार्क इफेक्ट का सामना करना पड़ा, जिससे सीन के साथ कैमरे में दाखिल होती भारी मिकदार में रोशनी खत्म हो जाती है और कैमरे के मिकनतीसी फीते पर बनने वाला अक्स बहुत ज्यादा साफ होता है। नज़रीन इकराम, जब कैमरा सीन रिकॉर्ड कर रहा होता है तब रोशनी की एक बहुत बड़ी गैर जरूरी मिकदार कैमरे की तरफ आती है, जिसे डायरेक्ट इफेक्ट फिल्टर करके सिर्फ जरूरत के मुताबिक रोशनी इलेक्ट्रिक फीते की तरफ भेजता है। यूं मिकनतीसी फीते पर बनने वाला अक्स बहुत ज्यादा साफ होता है। खुदनुज़रात, कभी कैमरे को सूरज के रूप घुमाकर तजुर्बा कीजिएगा, कैमरे में रिकॉर्ड होने वाला मंजर इंतहाई गैर मियारी और स्याह होगा, क्योंकि सीन के साथ रोशनी की एक बहुत बड़ी मिकदार कैमरे में दाखिल हो रही होती है, जिससे कैमरा सीन का असल स्ट्रक्चर समझ नहीं पाता, वो रंगों की पहचान नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही आप कैमरे का रुख सूरज के मुखालफ घुमाते हैं तो कैमरा स्लेप्स यानी सूरज ग्रहण वाला इफेक्ट पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। यूं रोशनी की मिकदार सीन की जरूरत के मुताबिक कैमरे में दाखिल होती है, जिससे मिकनतीसी पर्दे पर बनने वाला अक्स बहुत ही ज्यादा शानदार होता है। खुदनुज़रात, यही असूल इब्न अल हसन ने अपने किताब सूरतुल कसफ में पेश किया है कि सूरज ग्रहण के वक्त कमरे या डब्बे में सुराख के जरिए दाखिल होने वाला अक्स बहुत ज्यादा साफ होगा, क्योंकि उस वक्त रोशनी ऐन सीन की जरूरत के मुताबिक कमरे में दाखिल हो रही होती है। खुदनुज़रात, यह था इब्न अल हसन के कैमरा अब्सक्यूरा का पहला असूल। अब हम दूसरा असूल स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो पिक्चर्स दिखाता हूं। नज़रीन, जरा इन पिक्चर्स को गौर से देखिएगा।
खुदनुसरत पहली पिक्चर एक आम सी पिक्चर है, कैमरा ने इसमें हर चीज को बराबर फोकस किया है, लिहाजा रिजल्ट भी एक आम सा है। अब जरा दूसरी पिक्चर को देखें। नजरिन इकराम इस पिक्चर में बैकग्राउंड धुंधला है, लेकिन मरकजी सीन पहली तस्वीर की बनिस्बत बहुत ज्यादा साफ और क्लियर है और खूबसूरत भी नजर आ रहा है, जबकि पिक्चर की क्वालिटी भी पहले पिक्चर की निस्बत बहुत ज्यादा क्लियर है। अब जरा दोनों तस्वीर को जहन में रखिएगा, क्योंकि अब हम इब्राहिम हसन के कैमरा ऑब्स्क्यूरा की रूल नंबर 2 को स्टडी करने लगे हैं। खुदनुसरत इब्राहिम हसन लिखते हैं कि एक तारीख कमरे की दीवार में छोटा सा सुराख किया जाए, फिर उस सुराख के दाने पर 4 रोशन मोमबत्तियां रखी जाएं, उसके बाद उससे कुछ फासले पर मजीद 4 मोमबत्तियां रखी जाएं, उससे कमरे में बनने वाला अक्स एक आम बनने वाले अक्स से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होगा, जिसमें सुराख के करीब वाली मोमबत्तियां ज्यादा साफ नजर आएंगी और दूर वाली मोमबत्तियां धुंधली नजर आएंगी। यानी दूर वाली मोमबत्तियां रखने से कमरे में करीब वाली मोमबत्तियों का अक्स बहुत साफ बनेगा। खुदनुसरत आज यही तकनीक कैमरा लेंस में इस्तेमाल की जाती है। एक आम कैमरे में जब लेंस का इस्तेमाल होता है तो वो बैकग्राउंड एरिया को धुंधला कर देता है, जिससे दूसरे लेंस की मरकज पर फोकसिंग बढ़ जाती है। यूं कैमरे में रिकॉर्ड होने वाला मंजर बहुत ज्यादा साफ और पुरकशिश होता है। खुदनुसरत अब यकीनन आपको इस बात का यकीन हो चुका होगा कि इब्राहिम हसन ही कैमरे के असल मौजूद हैं। नजरिन इकराम एक दिलचस्प सवाल है कि हम देखते कैसे हैं, हमारी नजर कैसे काम करती है। यूनानी साइंटिस्ट का ख्याल था कि हमारी आंखों से रोशनी की लहरें खारिज होती हैं, जिससे हम देखते हैं। नजरिन ये नजरिया 1000 साल तक राइज रहा, लेकिन इब्राहिम हसन ने इस नजरिए को तजुर्बाती बुनियादों पर परखा और साबित किया कि आंखों से रोशनी की कोई लहर खारिज नहीं होती, बल्कि जब सूरज की रोशनी चीजों पर पड़ती है तो उससे बसरी लहरें पैदा होती हैं। यानी जब सूरज की रोशनी चीज से टकराती है तो उस चीज के अक्स को सिग्नल की सूरत हवा में बिखेर देती है, तब ऐन उसी वक्त हमारी आंख के पर्दे उन सिग्नल्स को कैच करते हैं। यूं फजा में उभरता हुआ मंजर हमारी आंख के पर्दे पर छप जाता है, उसके बाद पर्दे बसारत के साथ डेटा ट्रांसफर शरियाने उसे ब्रेन ऑप्टिक सिस्टम के हवाले कर देती हैं। यानी आंख में बनने वाली तस्वीर को दिमाग के इंटेलिजेंस नेटवर्क और डेटा बेसमेंट तक ले जाने का अमल ब्रेन ऑप्टिक सिस्टम कहलाता है, जिसमें दिमाग सबसे पहले तस्वीर की पहचान करता है कि आया अभी दिखाई देने वाला मंजर कुर्सी का है, मेज का है या किसी और चीज का। खुदनुसरत ऐसा नहीं है कि मेज पड़ोसियों के घर में पड़ा हो और उस पर पड़ने वाली रोशनी के बसरी सिग्नल्स आपके घर में आ जाएं और आपको वो चीज नजर आने लग जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इब्राहिम हसन के मुताबिक रोशनी हवा की तरह आवारा सफर नहीं करती, यानी अभी यहाँ कभी वहां, बल्कि रोशनी बिल्कुल सीध में सफर करती है। यानी रोशनी पड़ोसियों के घर में दाखिल हुई, मेज पर गिरी, उसका अक्सी डेटा लिया और उसी तरह वापस लौट गई। अगर इस दौरान कोई आंख वहां पर मौजूद है तो वो उन सिग्नल्स को डिटेक्ट करेगी। नजरिन इकराम, जिन्नात का वजूद एक हकीकत है, लेकिन ये हमें नजर नहीं आते, क्यों? नजरिन आप फर्ज करें, आपके सामने कुर्सी पर एक जिन बैठा हुआ है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे, जबकि आपका घोस्ट मीटर बार बार कुर्सी की तरफ इशारा कर रहा है, रेड लाइट सिग्नल दे रहा है कि वहां पर कोई चीज मौजूद है, लेकिन आपको सिर्फ कुर्सी नजर आ रही है, कुर्सी पर बैठा हुआ एक नदीदा वजूद नजर नहीं आ रहा। अब वजह क्या है, क्या वजह है कि हम जिन्नात को नहीं देख पाते? आप एक जानदार होते हुए भी भूत को नहीं देख सकते, जबकि आपका मीटर उस भूत को ट्रैक किए हुए है। खुदनुसरत याद रहे, जिन्नात हमें इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि रोशनी उनके वजूद पर असरअंदाज नहीं होती, बिल्कुल उसी तरह जैसे रोशनी हवा पर असरअंदाज नहीं होती, जिससे बसरी लहरें बसरी सिग्नल्स पैदा नहीं होते। जिन्नात हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी हमारी आंख के डिटेक्टिंग सिस्टम से मैच नहीं कर रही होती। खुदनुसरत आपकी कुर्सी पर जिन बैठा है, लेकिन फिर भी वो आपको खाली नजर आ रही है, क्यों? क्योंकि रोशनी की रसाई सिर्फ कुर्सी की हद तक है, वो जिन के वजूद पर असरअंदाज होने में अक्सर नाकाम हो रही है, लिहाजा आपकी आंख सिर्फ वही चीज देख रही है जिस पर रोशनी गिरकर बसरी लहरें पैदा कर रही है। खुदनुसरत अब घोस्ट मीटर का रेड बल्ब बता रहा है कि जिन्नात भी एक फ्रिक्वेंसी रखते हैं, लेकिन हमारी आंख में वो फंक्शन नहीं है कि हम उन्हें देख सकें। खुदनुसरत जिन्नात पर मुकम्मल रिसर्च के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी कायनात में सैकड़ों ऐसे सिग्नल्स मौजूद हैं जो खुद से सफर करने, फैसला करने,
किसी चीज पर असरअंदाज होने की सलाहियत रखते हैं। इंसान और उन पुरसरार सिग्नल्स में बुनियादी फर्क सिर्फ वजूद का है। इंसान वजूद रखता है और वो वजूद नहीं रखते, वो सिर्फ एक सिग्नल है, एक लहर है। उनकी खुराक कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारा एटमॉस्फेयर कीमियाई अमल करता है और उस अमल के नतीजे में पैदा होने वाले असरात उनकी खुराक हैं। मसलन गोबर के सूखने का अमल, हड्डी के मट्टी बनने का अमल या इसी तरह की दीगर चीजें, इनका कीमियाई रिजल्ट उनकी खुराक है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम खुशबू के जरिए दिमाग को फ्रेश करते हैं, हमारे जाने के बाद फूल अपनी जगह मौजूद होता है लेकिन हम उसका असर इस्तेमाल कर चुके होते हैं। नाज़रीन, हमारा खुराक का सिलसिला कुछ और है। हम वजूद रखते हैं लिहाजा हमारी खुराक भी वजूद रखने वाली है। वो मखलूक लहर है, सिग्नल है, लिहाजा उनकी खुराक भी चीजों पर कीमियाई असरात के नतीजे में पैदा होने वाली लहरें हैं। खुदरों रात उन शौरी आवारा सिग्नल्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो अपने आप को किसी भी शक्ल में ढाल कर जब रोशनी को अपने ऊपर हावी करते हैं तो हमें वो दिखाई देने लग जाते हैं, और ना सिर्फ दिखाई देते हैं बल्कि मुतलका शख्स की आवाज तक निकल कर लेते हैं। खुदरत हमारी आंख सिर्फ उसी सिग्नल को कबूल करती है जो रोशनी से मुतासर होकर हमारी तरफ आए। जो चीज रोशनी से मुतासर हुए बगैर सफर करती है उसे हम कभी देख नहीं सकते, लिहाजा हम जिन्नात और फरिश्ते कभी नहीं देख सकते, जबकि जानवरों की आंखें लाइट फ्रिक्वेंसी के अलावा दीगर सिग्नल्स को भी कैच करने की सलाहियत रखती हैं। यही वजह को फरिश्ते और जिन्नात देख सकते हैं, लेकिन ये अलग सवाल है कि वो जिन्नात और फरिश्ते उन्हें किस सूरत नजर आते हैं। इस पर अभी कोई रिसर्च नहीं हुई, जबकि इंसान सिर्फ वही चीज देख सकता है जिस पर रोशनी असर अंदाज हो और उससे पैदा होने वाली ग्राफिक फ्रिक्वेंसी हमारी आंख फौरी डिटेक्ट कर लेती है। नजरीन कराम, ये इब्न अल हैसम की वो रिसर्च है जिसे खलीफा वक्त ने सुना तो पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा तारी हो गया, और आज पूरा यूरोप इस चक्कर में है कि किसी तरह हम रोशनी को शिकस्त दे दें जिससे हम लोगों के दरमियान तो खड़े होंगे लेकिन किसी को नजर नहीं आएंगे। नजरीन कराम, खुद को गायब करने की इस दौड़ में इब्न अल हैसम की किताबें पूरे जोरों शोर से इस्तेमाल हो रही है, जबकि पिछले दिनों चीन से एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें एक शख्स खुद को रोशनी की नजरों से ओझल कर लेता है और गायब हो जाता है, जबकि कैमरे में बस वही चीज रह जाती है जिस पर रोशनी असर अंदाज हो रही है। खतरनाक रात, अब वो वक्त दूर नहीं है जब गली में चलता हुआ एक शख्स अचानक गायब हो जाएगा, लेकिन हमें कोई हैरानी नहीं होगी क्योंकि हम जानते होंगे कि ये भी टेक्नोलॉजी है। खतरनाक रात, इस बात में कोई शक नहीं है कि साइंसदानों की अक्सरियत नहायत खुश्क मिजाज होती है, उनकी जाती जिंदगी अज़दवाजी जिंदगी भी ज्यादा खुशगवार नहीं होती। अगर आप मेरी बात की तस्दीक चाहते हैं तो यूरोप के तमाम साइंसदानों का लाइफस्टाइल पढ़ लें या हॉलीवुड मूवीज में साइंसदान का कोई भी किरदार देख लें, सबका मजाज एक जैसा होगा। लेकिन नाजरीन, क्रोने उला के मुसलमान साइंसदान ऐसे नहीं थे। विल ड्रॉट अपनी किताब द एज ऑफ फेथ में लिखते हैं, मुसलमान साइंसदान जहाँ इल्मी महारत रखते थे वहाँ बेहतरीन इखलाकी हुस्ना के भी मालिक थे। उनके पास बैठने से एक अजीब से सरूर का एहसास होता था, क्योंकि नाज़रीन वो आम लोग नहीं थे, वो आम लोग नहीं थे, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही थे। उनके सीनों से मेरे हुजूर के रूहानी दीदार की महक उठती थी, उनकी शामें उनकी सुबह मस्जिद की सफों पर गुजरती थी। वो ऐसे लोग थे जिनकी हुजूर ने ऐसी तरबियत फरमाई कि शहनशाह भी उनकी महफल में बैठना फखर समझते थे, जबकि उनकी जाती जिंदगी हमेशा फकीराना होती थी। नाज़रीन, इब्न अल हैसम निहायत कराबसान थे, तमाम जिंदगी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह निहायत सादा बसर की। हालांकि इस दौरान बड़े बड़े उमरा ने उन्हें लाखों दिनार और सोने की पेशकश की, लेकिन वो ये कहकर ठुकरा देते कि जब मेरे हुजूर ने शाहाना जिंदगी का इंतखाब नहीं किया तो हम पुरतश जिंदगी क्यों जिये। उस शख्स ने तमाम जिंदगी 150 दिनार सालाना गुजारा किया, निहायत सादा लिबास और दो वक्त की रोटी उसकी जिंदगी की ऐश थी। उनकी सीरत का हकीकी जायजा उस एक वाक्य से मिलता है कि एक बार एक अमीर शख्स उनसे तालीम हासिल करने के लिए आया, आपने उसे 100 दिनार महाना फीस पर शागिर्द बना लिया। नाज़रीन, 3 साल बाद जब वो शख्स तालीम मुकम्मल करके जाने लगा तो आपने एक थैली उसके हाथ पर रखी और कहा, सुनो नौजवान, मैं नेक काम की मजदूरी नहीं लिया करता, ये फीस तालीम में तुम्हारा दिल लगाने के लिए थी, जाते हुए इस थैली को भी अपने साथ ले जाओ, मैं रात को रोजी खाकर सोता हूँ। मेरे शाहीनों, ये थे हमारे असलाफ जिनकी तर्ज जिंदगी ही हमारी काया पलटने के लिए काफी है। उस दरवेश ने एक ऐसी किताब लिखी
जिसे किताबुल मनाजर कहते हैं। ये 6 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है। हज़रत इब्न हैसम ने इस किताब में ऐसे ऐसे साइंसी जलजला खेज इंकशाफात किए हैं जो यकीनन उस दौर के हिसाब से यकीनन नामुमकिन थे। आज जदीद फिजिक्स की आधी से ज्यादा मर्द इब्न हैसम की रिसर्च पर करी है, जबकि ऑप्टिकल साइंस इब्न हैसम की ही इजाद है। नजरीन इकराम, उनका एक और हैरत अंगेज कारनामा पूरी दुनिया के कूड़ा बाद को मापना है, यानी हमारे ऊपर की फजा को मापना है। उसने सबसे पहले दुनिया को बताया कि हमारे ऊपर फजाई तहे मौजूद हैं, जिनमें कुछ कसीफ हैं, कुछ लतीफ हैं, यानी ओजोन, ट्रोपोस्फीयर, लिनोस्फीयर वगैरह। उसके बाद उसने इंकशाफ किया कि जमीन से 52,000 कदम ऊंचाई के बाद हवा खत्म हो जाती है, उसके बाद खला शुरू होता है। नजरीन इकराम, ये उस दौर की सबसे हैरान कुन तहकीक थी। इब्न हैसम जैसे नौजवान मुसलमानों की उस 400 साल मेहनत का नतीजा थे जो मुसलमानों ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दिन रात एक करके की थी। माइंड प्रोग्रामिंग शहर बसाए थे, अपनी रातें, अपनी सुबहें दुनिया के बेहतरीन उस्ताद तैयार करने और उस्ताद हासिल करने में लगाए थे। नजरीन इकराम, आज यूरोपी हैरान हैं कि इब्न हैसम के पास वो कौन सा पैमाना था जिससे उन्होंने पूरी फजा को बिल्कुल ठीक ठीक अंदाज में मापा है। इसके अलावा उनके पास वो कौन सी मशीनरी थी जिससे उन्होंने फजाई तहों को दरियाफ्त किया होगा। खतरनाक, यकीनन आप हैरत के समंदर में गोताजन हैं, लेकिन अभी हमारे सामने जहां और भी हैं। अभी तो टॉप ऑफ टाइम का आगाज हुआ है, अभी मुसलमान साइंसदानों की दुनिया शुरू हुई है, अभी इसकी हैरत अंगेजियां देखते जाओ। नजरीन इकराम, मुसलमानों ने शीशा ईजाद किया। ये कुरूने उला की सबसे चमकदार ईजाद थी जिसकी झलक देखने के लिए यूरोपी बादशाह भी मुसलमान शहनशाहों के दर पर आन पहुंचे, और उनमें यूरोपी बादशाह फ्रेडरिक सानी ने मुसलमानों से मुतल्लिक कहा कि बखुदा ये कौम इंसान नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान ऐसी इजादात और नजरियात पेश नहीं कर सकता। हज़रात, मुसलमानों के साइंसी कमालात, इजादात और इखलाकियात ने दुनिया में इस कदर तहलका बरपा कर दिया कि यूरोपी बच्चे और जवान फैशन के तौर पर कुरानी आयात एक दूसरे को सुना कर इम्प्रेस किया करते थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज हमारे बच्चे हिंदू फिल्में देखकर, इंडियन फिल्में देखकर हिंदू भजन गाते हैं। नजरीन, फिर हालात यहाँ तक आन पहुंचे कि 1155 ईस्वी में एक यूरोपी बादशाह राजर दोयम ने मुसलमानों से शदीद मुतासर होकर, इनके इल्म, इनकी अखलाकियात और इनके साइंसी कमालात से मुतासर होकर एक सिक्का जारी किया जिस पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। नजरीन इकराम, तारीख गवाह है कि यूरोप के बहुत सारे बादशाह और अमीर लोग इस्लाम के मुखालिफ थे, इस्लाम के दुश्मन थे, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन इस्लामी तहजीब से इस कदर मुतासर हुए, हमारी तहजीब से इस कदर मरऊब हो गए, इसे इस तरह अपना लिया जैसे ये उनकी अपनी तहजीब हो। उनके लिबास में कुरानी आयात या अरबी के अशार जरूर कुंदा होते थे। मेरे शाहीनो, याद रखो हम इस कदर पुर असर लोग थे, हम अपने घर में होते थे लेकिन साथ ही दुश्मन के दिल में बसे होते थे, खौफ बनकर या हीरो बनकर। नजरीन इकराम, शीशे की ईजाद एक कमाल थी, लेकिन इब्न हैसम ने इस शीशे को नजरी शीशा, खुर्दबीनी शीशा और दूरबीनी शीशे का रूप देकर पूरी दुनिया के लोगों पर एहसान कर दिया। नजरीन, ये एक अलग बात है कि उनके दौर में शीशा, खुर्दबीनी और दूरबीनी अमूर में ज्यादा मौसर नहीं था। अलबत्ता नजरी चश्मों का आगाज उनकी जिंदगी में ही हो गया था जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन था। हालांकि उनके कुछ साल बाद उंदलस के अंदर अब्बास इब्ने फरनास ने ऐनक को इजाद किया। वहां से प्रॉपर ऐनक जो थी वो पूरी दुनिया के अंदर आज तक चल रही है। ये अब्बास इब्ने फरनास ने इस चीज को लोगों के अंदर प्रमोट किया, इजाद किया, लेकिन उससे पहले इब्न हैसम ऐनक इजाद कर चुके थे। लेकिन ये सच है कि अजीम मुसलमान साइंसदान अब्बास इब्ने फरनास ने अगरचे ऐनक इजाद कर डाली, हालांकि उससे पहले इब्न हैसम कर चुके थे, लेकिन अब्बास इब्ने फरनास ने इब्न हैसम की रिसर्च को नहीं देखा था। इस बात के काफी प्रूफ मौजूद है, लिहाजा कह सकते हैं कि अब्बास इब्न फरनास ने भी ऐनक इजाद की और उससे पहले इब्न हैसम भी ऐनक इजाद कर चुके थे, यानी दोनों अजीम मुसलमानों ने सेम आइडिया के तहत काम किया। खुदनुज़रात, इब्न हैसम के काफी अरसा बाद दूरबीनी और खुर्दबीनी शीशे को बहुत बाद में सही तौर पर इस्तेमाल किया गया, सही तौर पर सामने लाया गया। अलबत्ता फिर भी इस चीज का क्रेडिट अजीम मुसलमान साइंसदान अबू अल हसन इब्न हैसम को जाता है। नजरीन इकराम, खलीफा मामूर जी ने एक जहीन तरीन कौम पैदा करने के लिए नाइट क्लब और बेहतरीन स्कूलिंग सिस्टम के जरिए मुसलमान बच्चों के जहनों में जो तखलीके कायनात और असरारे जहां से मुतलिक सवाल पैदा किए थे,
कि बादल कहाँ बनता है, आंखें कैसे देखती हैं, सितारे कैसे सफर करते हैं। नाज़रीन मुस्तकबल में वो सब मासूमाना सवाल दुनिया की तारीख में अजीम थ्योरियां बनकर उभरे। फिर उन्हीं थ्योरियों से आगे इजादात का सिलसिला शुरू हुआ। नाज़रीन मालूम हुआ माइंड प्रोग्रामिंग किसी भी कौम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप माइंड प्रोग्रामिंग के जरिए अजीम साइंसदान, अदीब और मुफक्कर पैदा कर सकते हैं। और माइंड प्रोग्रामिंग ही वो वाहिद चीज है जिसके जरिए आप किसी को टॉयलेट तक चाटने पर मजबूर कर सकते हैं, और वो ये काम खुशी खुशी से करेगा क्योंकि उसकी माइंड प्रोग्रामिंग हो चुकी है। उसका जहन उस चीज को कबूल कर चुका है और उसकी क्रिएटिविटी पूरी उस पर काम कर रही है। खुदनुज़रात, हम हर रोज सूरज ग़ुरूब होता देखते हैं, चांद का तुलू होना भी हमारी नजर से गुजरता है। नाज़रीन इकराम, इब्न हैसिम ने सवाल उठाया कि चांद और सूरज तुलू और ग़ुरूब होते हुए बड़े दिखाई क्यों देते हैं, हालांकि ये उस वक्त जमीन से फासले पर होते हैं। उस पर उन्होंने बाकायदा एक ज़ुवल कमर नामी किताब लिखी और ऐसी रिसर्च पेश की कि आज के यूरोपीय साइंटिस्ट हैरान है कि दुनिया ने कैसे कैसे लोग जन्म दिए। नाज़रीन इकराम, रात की पुरसकून वादियों में रात भर सितारे कैसे जलमलाते हैं, बारिश के दौरान अक्सर आसमान पर सात रंग कैसे बिखर जाते हैं, उनकी साइंसी वजूहत क्या हो सकती हैं। नाज़रीन इकराम, इब्न हैसन ने इस पर ऐसी रिसर्च पेश की जो कि बहुत ही ज्यादा बेमिसाल है। नाज़रीन, लेकिन माजरत के साथ हम आज के टॉपिक को यहीं पर ब्रेक करते हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपसे एक वादा किया था और आज उस वादे को वफा करेंगे। नाज़रीन इकराम, कुरूने ओला की दिलकश, खूबसूरत और हैरत अंगेज दुनिया में आज अपने पहले बुजुर्ग इब्न हैसम से आपकी मुलाकात यकीनन बहुत ज्यादा दिलचस्प रही होगी। लेकिन निहायत माजरत के साथ हम आज की टॉपिक को यहीं पर अधूरा छोड़ते हुए उस वादे को पूरा करेंगे जो पिछली वीडियो में आपसे किया था कि टॉप ऑफ टाइम की तमाम रिसर्च किन किन किताबों से ली जा रही है। आज सोशल मीडिया पर हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ, तुमने अपनी 1400 साल तारीख में फिरका वरियत और लोटे मसल्ले के अलावा कौन कौन से शोभा जात में उरूज हासिल किया, तुम्हारी तारीख क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है, कहां से आए हो। उस वक्त मेरे देश का नौजवान बुरी तरह बेबस होता है, हालांकि उन्हीं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, दुनिया को बताने के लिए हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उनके अपने घर यूरोप से ही हमारे हक में इतने नारे बुलंद हुए हैं कि हमें बोलने की जरूरत नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम ला इल्म हैं। इंशाल्लाह ताला टॉप ऑफ टाइम के जरिए जहां हम अपनी तारीख को रिकवर करेंगे, वहीं अपने नौजवान के कौमी एतमाद को भी बहाल करेंगे। खुदनुज़रात, अगली वीडियो में हम बात वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने आज स्टॉप की है। आज आप टॉप ऑफ टाइम के तमाम डेटा की मालूमात हासिल करें, ताकि अगर आपके पास टाइम, जज्बा और ईमान हो तो मेरे साथ इस मैदान कारजार में उतरो, क्योंकि अब हमारी मिल्लत को एक इमरान अदीब नहीं बल्कि हजारों इमरान की जरूरत है। नाज़रीन इकराम, अब आप डेटा की मालूमात नोट फरमाएं। सबसे पहले हम गैर मुस्लिम यूरोपी मुसन्निफीन की मुसलमानों की साइंसी खिदमत से मुतल्लिक तारीख पर मबनी किताबों के नाम बताऊंगा। उसके बाद मुसलमान साइंसदानों की काविशों पर मुसलमान रिसर्चर ने जो लिखा है उस पर भी हम बात करेंगे। खैर, काफी अच्छी लिस्ट है, आप नोट फरमा लीजिए। तो खुदनुज़रात, सबसे पहली किताब है मेकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, इसके राइटर हैं रॉबर्ट ब्रिफॉल्ट। नाज़रीन, उसके बाद दी हिस्ट्री ऑफ अरब, राइटर हैं फिलिप के हिटी। उसके बाद तीसरे नंबर पर दी एज ऑफ फेथ, इसके राइटर हैं विल ड्रॉन्ट। नाज़रीन इकराम, ये तीन किताबें तो आप जरूर पढ़िएगा। उसके बाद दी लेगेसी ऑफ इस्लाम, ये लिखी है मैक्स मीरहाफ, उसके बाद इसी नाम से मिस्टर जोसेफ ने भी लिखी है। खुदनुज़रात, उसके बाद दी ओरिजिन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स, इसके राइटर हैं फिलिप के हिटी, इस किताब के राइटर फिलिप के हिटी हैं। खुदनुज़रात, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ यूरोप वॉल्यूम 1-2, इसके राइटर हैं विलियम ड्रिपर। नाज़रीन इकराम, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ साइंस, इस किताब के मुसन्निफ हैं जॉर्ज सार्टन। नाज़रीन, ये किताब भी आप जरूर पढ़िएगा। और उसके बाद जो अगली किताब बताने वाला हूँ वो आप जरूर पढ़िएगा, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, यानी कि साइंस और मजहब के दरमियान मार्का, और ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, इसमें मुसलमानों का क्या किरदार है। उसके बाद यूरोप के पोप अहले कलीसा का इसमें क्या किरदार रहा है, ये एक बड़ी दिलचस्प किताब है, इसको लिखा है विलियम ड्रिपर ने। खुदनुज़रात, उसके बाद गोल्डन एज ऑफ द मोर। नाज़रीन, याद रखिएगा उंदलसी जुबान में मोर मुसलमान को कहते हैं, यानी कि मोर का मतलब मुसलमान है। नाज़रीन, इस किताब के मुसन्निफ है लेवन नैन मैटिना। खुदनुज़रात, उसके बाद इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम, इसके राइटर हैं एस्पेंस। नाज़रीन, उसके बाद सिविलाइजेशन ऑफ इस्लाम, इसके राइटर हैं मैथ जेन। उसके बाद द इंटरप्राइज ऑफ इस्लाम इन साइंस,
यानी इस्लाम के अदारों ने साइंस के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं। इसके राइटर हैं सैबरा एल खुदनुदात। उसके बाद बुक ऑफ नॉलेज बाई अल जजरी। नाज़रीन याद रखिएगा कि अजीम मुसलमान साइंसदान अल जजरी एक ऐसे साइंसदान गुजरे हैं जिन्होंने बड़ी मशीनरी ईजाद की है, और आज हमारे घर में जो वाटर पंप यूज होता है या गाड़ियों के अंदर जो इंजन इस्तेमाल होते हैं, इसके बेसिक एलिमेंट अल जजरी ने 1000 साल पहले तैयार किए थे। और यही वो बंदा है जिसने सबसे पहले डैम तैयार किया। काफी साइंसदानों की इसमें कावज थी, लेकिन ये बंदा भी उसमें एक बुनियादी हैसियत रखता है। खुदनुदात, बुक ऑफ नॉलेज बाई अल जजरी, इस किताब को लिखा है हिल डोनल्ड ने। नाज़रीन, उसके बाद ए हिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग, इसके राइटर भी हिल डोनल्ड हैं। खुदनुदात, उसके बाद इस्लामिक स्पेन यानी कि मुसलमानों का उंदलस, इसके राइटर हैं गुड विश जेफरी। नाज़रीन इकराम, उसके बाद आखिरी किताब लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ अरब, इसके राइटर हैं निकोलसन आर ए। नाज़रीन इकराम, ये वो किताबें हैं जिनके अंदर मुसलमानों की साइंसी खिदमात का एतराफ किया गया है। खुदनुदात, अब वो चंद किताबें मुलाहिजा फरमाएं जो मुसलमान दुनिया की साइंस सियासत और रियासत पर हमारे कुछ अजीम मर्तबा मुस्लिम रिसर्चर्स ने लिखी हैं, और ये किताबें मदारिस के नौजवान जरूर पढ़ें ताकि आपको अंदाजा हो कि इस गैर गुजरे दौर में आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। नाज़रीन इकराम, पहली किताब है यूरोप पर इस्लाम के असरात, इसकी मुसन्निफ हैं डॉक्टर गुलाम जिलानी बरक। और दूसरे नंबर पर किताब है मुसलमानों के साइंसी कारनामे, इसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर गुलाम कादर लोन। और तीसरे नंबर पर मुसलमानों के साइंसी कारनामे, इस किताब की मुसन्निफ है मोहम्मद जिक्रिया वर्क साहब, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। उसके बाद चौथे नंबर पर हुक्माए इस्लाम, सैयद सुलेमान निदवी साहब की ये किताब है। पांचवें नंबर पर किताबुल फहरिस्त, इसके मुसन्निफ हैं अबू नदीम। नाज़रीन इकराम, उसके बाद छठे नंबर पर मुसलमान साइंसदान, इस किताब के मुसन्निफ हैं निदवी इब्राहिम इमादी। उसके बाद अगली किताब इस्लामिक टेक्नोलॉजी, इसके मुसन्निफ हैं हसन अहमद ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। नाज़रीन इकराम, आठवें नंबर पर किताब है आइडियल्स एंड रियलिटीज, इसके मुसन्निफ हैं सुलमान अब्दुस। और नौवें नंबर पर किताब है मुस्लिम कंट्रीब्यूशन टू जियोग्राफी, नाज़रीन इसके मुसन्निफ हैं अहमद नफीस। खुदनुदात, मुसलमान साइंसदानों की तारीख से मुतल्लिक यूट्यूब पर भी कुछ वीडियो सीरीज मौजूद हैं, उनके नाम भी मुलाहिज़ा फरमाइए, उनको देखिएगा। नंबर वन है कुरून उला, इसके होस्ट हैं सर जैद हमद जमान साहब। ज़ाती तौर पर मुझे इनकी सीरीज़ देखकर ही टॉप ऑफ टाइम पर काम करने का ख्याल आया। और उसके बाद दूसरी सीरीज़ है अल जजीरा चैनल की तैयार करदा। नाज़रीन, इस सीरीज़ की खास बात यह है कि ये हर उस जगह जाकर फिल्माई गई है जहाँ मस्कूरा साइंसदान रहा या बैठा होता है। खुदनुदात, उसके बाद तीसरे नंबर पर है हॉलीवुड के एक मुसलमान प्रोड्यूसर की मुसलमान साइंसदानों के कारनामों पर एक नहायत ही दिलचस्प सीरीज दी सीक्रेट लाइब्रेरी, जिसे हॉलीवुड की स्पेशल FX इफेक्ट्स के साथ फिल्माया गया था और हैरी पॉटर सीरीज की तरह एक नहायत हैरानकुन अक्सबंदी की गई थी। लेकिन माजरत के साथ यूरोप के कुछ मुतअस्सब बाअसर लोगों ने इसे प्रोपेगेंडा वीडियो सीरीज करार देकर रिलीजिंग से रोक दिया था, और इस वक्त YouTube पर इसकी सिर्फ एक वीडियो मौजूद है। आप दी सीक्रेट लाइब्रेरी लिखेंगे तो वो एक वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके बाद एक तीसरी वीडियो सीरीज है इल्म फिल्म YouTube चैनल की, आप YouTube पर सर्च कीजिएगा इल्म फिल्म, वहां जाकर आपको एक सीरीज मिलेगी मुसलमान साइंसदानों की। या फिर ऐसा कीजिएगा कि YouTube पर लिखिएगा दी ग्रेट मास्टर माइंड्स ऑफ मुस्लिम्स, तो आपको वो करीबन वो वीडियो सीरीज पूरी मिल जाएगी। नाज़रीन इकराम, उसके बाद गूगल पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने मुसलमान स्कॉलर्स और साइंसदानों की तारीख पर बहुत सारा काम किया है। खुदनुदात, उम्मीद है आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। माजरत के साथ इस बार हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया, बहुत माजरत के साथ। और जाने से पहले प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट तसल्ली से पढ़ता हूँ। उसके बाद वीडियो पर लाइक ज़रूर मारिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक टॉप ऑफ टाइम सीरीज़ पहुँच सके। जबकि लास्ट में हमारे चैनल एक्सपोज वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि टॉप ऑफ टाइम की तमाम सीरीज बराह रास्त आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द टॉप ऑफ टाइम के छठे चैप्टर में मिलेंगे कुछ दिलचस्प इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।